जय वन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं व गणमान्य नागरिकों द्वारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जयपुर से मकराना जाते समय नावा बाईपास चौराहे पर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने जयपुर से मकराना जाते समय भाजपा कार्यकर्ताओं व गणमान्य नागरिकों द्वारा नावा बाईपास चौराहे पर माला सांपा पहनाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, शहर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश योगी, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रकाश गांधी, पालिका उपाध्यक्ष एडवोकेट आनंद कुमावत व डॉक्टर आनंद पुरोहित सहित भाजपा कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संगठन गणमान्य नागरिकों ने नावा सिटी रेलवे स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव, स्टेशन विकास एवं विस्तार के साथ कैटेगरी में बदलाव आदि की पुरजोर मांग करते हुए रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव के नाम का ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल जीवन मिशन में व्याप्त भेदभाव व अनियमितताओं के बारे में शिकायतें दर्ज करवाते हुए विस्तार से बताया एवं सुधार करवाने की मांग की। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष योगी ने प्रमुख ट्रेनों के ठहराव के साथ नावा सिटी से वाया खाकड़ की भदून होते हुए रूपनगढ़ तक सड़क बनवाने की भी मांग की, जिस पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव व स्टेशन विकास और नावा सिटी से रूपनगढ़ तक सड़क बनवाने आदि कार्यों पर शीघ्र उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही जल जीवन मिशन में संबंधित मिली शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान पिंटू बनास, सवाई सिंह, श्री किशन बियानी, अशोक पारिक अटल, प्रकाश मदन लाल पिपलोदा, सुमेर सिंह, वीरेंद्र सिंह, पुरुषोत्तम शर्मा, एडवोकेट गोपाल सिंह, मूल सिंह, रघुनाथ ढाका, राधेश्याम सैनी, आशीष बियानी, दिनेश जांदू, एडवोकेट मोहनलाल कुमावत, लक्ष्मण सिंह, नारायण वैष्णव, निर्मल योगी, जगदीश छापोला, महेश बोरा, प्रहलाद कुमावत, मुकेश कुमावत, विशाल कुमावत, भाजपा नेत्री पूजा कुमावत सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट। सदस्य के नाते सभी ने स्नेहपूर्वक मेरा स्वागत किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का हृदय पूर्वक मन पूर्वक अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं जयपुर से लेकर के जब यहाँ तक पहुँचा हूँ तब तक रास्ते में लगभग हर जगह मुझे हर बड़े गांव में रुकने के लिए कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया और हर एक गांव में सभी जगह समान रूप से एक ही विषय कि राजनीतिक विद्वेष के चलते भारत सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन योजना को डीरेल करने और उसका लाभ ठीक से लोगों तक नहीं पहुंचे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। अव्वल काम हो नहीं रहे, अगर हो रहे हैं तो उसमें गुणवत्ता ठीक नहीं है, गुणवत्ता भी अगर का ठीक ठाक की जा रही है तो उसमें राजनीतिक विद्वेष के चलते कुछ क्षेत्रों को छोड़ा जा रहा है, कुछ क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से प्रशासन को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। ये जल जीवन मिशन ऐसी योजना है जिसको समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। वैसे भी राजस्थान देश में 32 प्रांतों में जहाँ काम हो रहा है उसमें नीचे से दूसरे और तीसरे पायदान पर राजस्थान की सरकार को इस दिशा में बहुत गहराई के साथ में ध्यान दे करके लोगों को लाभ मिल सके, राहत मिल सके, उनकी प्यास बुझ सके, पानी लाने के संकट समाप्त हो सके, माताओं बहनों को पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति हो सके, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है।